हेलो दोस्तों, राज इंडक्शन में आपका स्वागत है। चलिए, मेरे मेरे पास एक बजाज कंपनी की इंडक्शन जो मॉडल नंबर पॉपुलर प्लस है, इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली है कि बर्तन को हीट नहीं कर रहा है, यानी सेंस नहीं कर पा रहा। तो मैं इसको चालू कर रहा हूँ, चालू करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, E0 आ रहा है। यहाँ पे आपका E1 आएगा तब बर्तन को कैच करेगा। तो आप ये मत समझिए कि E1 आ रहा है तो फॉल्ट है, हर कंपनी में अलग अलग इसका कोड वर्ड रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। ठीक, सबसे पहले क्या है, हम चेक करूंगा कि E1 क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले क्या, AC सप्लाई तो जा रहा है, तब तो इसमें लाइट आ रहा है, E0 आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी से कि प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें क्या है। तो ये देखिए, PCB आपके सामने हो गया। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि सप्लाई कहाँ कहाँ पर जा रहा है, कहाँ कहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। आज इसमें सप्लाई चेक करेंगे, वोल्ट चेक करेंगे, और आपको बारीकी से वोल्ट देखते जाना कि कैसे वोल्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं मीटर को सेट कर लेता हूँ और DC सप्लाई में चेक करेंगे। किस में चेक करेंगे, आपके IGBT के मीटर और कलेक्टर में चेक करेंगे। ठीक, ये देखिए कलेक्टर में सप्लाई शो नहीं कर रहा है, मेरा एक भी सप्लाई शो नहीं कर रहा है कलेक्टर। ये देखिए कलेक्टर में एक भी सप्लाई शो नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डायोड के प्लस में चेक करूँगा। तो डायोड का प्लस ए वाला पॉइंट है, इसमें भी सप्लाई नहीं आ रहा है। अब डायोड के माइनस में चेक करूंगा, इसमें भी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब क्या करूंगा, डायोड के AC सप्लाई में चेक करूंगा कि मैं AC सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए AC सप्लाई नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, चलिए इसको ट्रैक को देखते हैं। यहाँ से ट्रैक को देखते गया, देखते गया, देखते गया। ये देखिए यहाँ से गया, यहाँ तक गया, और ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर AC सप्लाई कितना आ रहा है, 185, और यहाँ से सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ट्रैक क्या है ना, बीच से जो ट्रैक है कट गया, इसके नाम से सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ट्रैक कटा क्यों है, इसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ। तो चलिए मैं इसका पहले क्या करूँगा, ट्रैक को मैं शॉर्ट करूँगा, उसके बाद ये देखिए मैं ट्रैक को यहाँ से लिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अधिकांश इस मॉडल में आप, इसके नाम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको पता नहीं है उसमें थोड़ा इनको टाइम लग जाएगा। अधिकांश इस मॉडल में, बजाज पॉपुलर प्लस में, अभी नया मॉडल आया है और मार्केट में बहुत सारा चलता है इस मॉडल का, इसमें ये प्रॉब्लम आती है यहाँ से ट्रैक कटने की। इसकी जो फ्यूज होती है ना, फ्यूज थोड़ी सी ज़्यादा एम्पियर का लग गया है, इसमें कंपनी वाले ने लगा दी है। जो फ्यूज क्या है ना, ग्लो नहीं होती, यानी फ्यूज ओपन नहीं होती है। तो सबसे पहले अब फिर से इसको सीरीज में लगाऊंगा। सीरीज में लगाने से क्या हो रहा है कि मेरा इंडक्शन शॉर्ट सर्किट बता रहा है। तो शॉर्ट सर्किट बता रहा है तो क्या शॉर्ट बता रहा है, मैं आपको चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर से, IGBT शॉर्ट है कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट है। ये देखिए IGBT ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, ये देखिए, और मेरा इधर IGBT भी शॉर्ट बता रहा है। तो अब कंफर्म करना है आपकी दोनों में से शॉर्ट क्या है। तो आप तो इसको बाहर निकालोगे, IGBT को निकालोगे, फिर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को निकालोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट जो है, एक प्लस आपके लिए रहेगा कि बिना निकाले IGBT आपको बाहर नहीं निकालना पड़ेगा और ना ही डायोड को ओपन करना पड़ेगा। बिना ओपन किए आपको कंफर्म पता चलेगा कि खराबी इसमें क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉइल का पॉइंट को ओपन कर दूंगा, बराबर। ये देखिए मैं कॉइल को पॉइंट को ओपन कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, सीरीज में डालूंगा। ये देखिए मेरा इंडक्शन क्या है, चालू हो गया। फिर इसको जैसे इसमें टच करूँगा पॉइंट में, ये देखिए शॉर्ट बताएं। इसका मतलब क्या है कि आपका IGBT 99% शॉर्ट है, बाकी आपका सही है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं IGBT को इसको यहाँ डिस्चार्ज कर लेते हैं। चार्ज 20,12,03 ओरिजिनल IGBT नहीं है, सबकी इसकी पहचान है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा IGBT के ऊपर, इसकी पहचान मैं आपको बताऊंगा, लोकल IGBT है। तो उसके बाद मैं इसको ट्रैक को अच्छे से यहाँ पे साफ कर देता हूँ। अब चलिए मैं IGBT तो निकाल दिया, आपके सामने एक बार चेक भी कर देता हूँ कि IGBT शॉर्ट कैसा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं इंडक्शन रिपेयर करता हूँ तो कंपोनेंट चेक करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर यूज करता हूँ। आपको भी ऐसा करना चाहिए, इजी रहता है। देखिए IGBT शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार से फिर से मैं इसको IGBT को, सबसे पहले मैं आपको जो ट्रिक बताया उसके बाद क्या करेंगे, सप्लाई नाप लेंगे। क्या सप्लाई नापेंगे, DC सप्लाई नापेंगे कि मेरे कलेक्टर पे कितनी सप्लाई आ रही है। अगर जितनी AC सप्लाई आपको मिलेगी उससे 100 वोल्ट ज़्यादा कलेक्टर पे सप्लाई आनी चाहिए। सबसे शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए कितनी आ रही है, 200 आपका 94-95 आ रही है। तो आपकी AC सप्लाई आपको एक बार चेक कर लेते हैं, AC सप्लाई आपकी 190 के आसपास होगी, बराबर। ये देखिए 186-187 के पास आए, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितनी AC सप्लाई आपको मिलेगी समझ लीजिए उससे 100 वोल्ट आपको DC वहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं, अब हो गया, अब एक बार पेट्रोल से इसको साफ कर लेते हैं।
थोड़ा सा इसमें चार्ज हो गया होगा, नहीं है, पेट्रोल से एक बार साफ कर लेते हैं, उसके बाद IGBT को लगाऊंगा। क्या है, थोड़ी सी नमी के नाम से IGBT इसकी उड़ती है, आपको बता दिया हूँ कि आपको अच्छे से पेट्रोल से साफ़ करना है। ये देखिए ये सब थोड़ा सा है, इसी के नाम से आपका IGBT उड़ते हैं। ज़्यादा होता है तो आप 5 MFD का कैपेसिटर को बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद वहाँ पर साफ़ कीजिए, क्योंकि इसको बाहर निकाल के ना, ये देखिए जितने दिख रहे हैं ना आपको, इसी के नाम से आपका IGBT बार बार उड़ता है, तो इसको आपको अच्छे से साफ करना है। पेट्रोल से इस तरफ साफ करने के बाद आपको जहाँ पे IGBT का पॉइंट लगता है, पेट्रोल डाल के हल्का हल्का आपको थोड़ा सा साफ करना है। इधर ट्रांजिस्टर लॉक की तरफ भी आपको पेट्रोल डालना है। तो इस इतना प्रोसेस होने के बाद में अब क्या करेंगे, फटाक से इसको मैं फिर से IGBT को लगाऊंगा। पहले कैपेसिटर को IGBT लगाने से पहले आपको जो 5 MFD का कैपेसिटर है ना, इसको आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका IGBT तुरंत उड़ जाए। इसको टाइट कर दिया, यहाँ पे अभी धागा डाल दिया। अब मैं IGBT लगाऊंगा, आपको बताऊँ कौन सा IGBT लगाऊंगा। सबसे पहले ओरिजिनल IGBT मेरे पास अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल नहीं, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, और नया जो आपको IGBT मार्केट से मिलती है उससे इसकी प्राइस कम है। अब तो मैं प्राइस नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें आपको कस्टमर भी मेरा वीडियोस देखते हैं, इसके नाम से प्राइस नहीं बताऊँगा IGBT का। तो ये मार्केट में आपको जितनी नया में मिलती है, यानी उससे 10 या 15% आपको कम में मिलेगी, बराबर। तो इसका टिकाऊ भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो चलिए मैं आपको ये वाला IGBT एक बार चेक कर लूँगा। और ये IGBT क्या है, हम लोग मंगाते हैं, अगर ख़राब निकल जाता है तो हम लोग वो IGBT वापस भी हो जाता है। तो ये देखिए मैं एक बार इसको कंफर्म करके चेक करके, पुराना IGBT आप लगा रहे हो तो चेक करके ही लगाएं, बार बार आपको दिक्कत मत है, ये सही बता रहे हैं, ठीक है। नहीं मेरा IGBT ठीक है। और आपको 2-3 बात आपको पॉइंट तो बता ही दिया हूँ, IGBT लगाने से पहले आपको हीटिंग कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हीटिंग कंपाउंड नहीं लगा रहे हो अगर, तो आपका इंडक्शन में क्या होता है कि आपका हीट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट होने के बाद में आपका IGBT तुरंत ग्लो हो जाएगा, इसके नाम से 2-3 दिन में आपका उल्टा कंप्लेन आता है, तो वहाँ पे हीटिंग कंपाउंड ज़रूर लगाएं। पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपको IGBT को जो सोल्डिंग करते हो ना, वहाँ पे आपको ध्यान से सोल्डिंग करना है कि आपका IGBT तो कहीं लूज मत हो जाए। इससे क्या होता है कि अगर IGBT का सोल्डिंग अच्छे से प्रॉपर सोल्डिंग नहीं होगा तो IGBT भी आपका स्पार्क करेगा, स्पार्क करने के बाद आपका IGBT भी ग्लो हो सकते है। तो इसके नाम से इसको अच्छे से प्रॉपर सोल्डिंग करना है, थोड़ी सी रंगा ज़्यादा डालना है, देखिए। अब मेरा इतना प्रोसेस होने के बाद में अब क्या करूँगा, एक बार फिर से सीरीज में टेस्ट करना है आपको, ये सीरीज में आपको टेस्ट करना है। ये हो गया, अब इसको हीटिंग होना शुरू हो गया। तो ये देखिए मैं जैसे ही बर्तन को हटाऊँगा तो यहाँ E1 आएगा, अब पहले क्या आ रही थी E0 आ रही थी, जैसे इसको करूँगा तो मेरा बर्तन को सेंस करेगा और हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो जो आपको कैसा लगा मेरे को आप कमेंट में बताइए, और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे अगर चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, कि मैं इससे बेहतर और वीडियो आपको दे सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जो मेरा ऑनलाइन कोर्स चलने वाला है इंडक्शन के ऊपर, जल्द से जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, और मैं पूरी उम्मीद के साथ आज आपके सामने आया हूँ और बोल रहा हूँ कि अगर जिनको इंडक्शन के काम सीखना है घर बैठे, मैं पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि उनका काम हो जाएगा। यानी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बस मैं यहाँ से हेल्प करूँगा आपको और इंडक्शन का काम घर बैठे सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिनको इंडक्शन का ऑनलाइन कोर्स करना है तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कृपया आप हाई करके भेजिए, तो मैं उसके हिसाब से अपना सिर्फ जमाऊंगा करके कि कैसे करना है क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और जो मेरे से गलती होती है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप छोटा भाई समझ